और काल का थकान अभी उतरा नहीं किसी का। और मस्ती करे, मेरा तो कमर ही टूट गया। आज सुबह तो ऐसे रहते नींद से मैं नहीं उठी। और कल इतना सारा चावल हुआ था, मैंने और था इस सेकंड पर। और कल ही हम लोग का कमी के लिए और कैंडी आके मुझे परेशान करती है हर टाइम। रात को बड़े आज से ऐसे ही गर्मी भी है और क्या बनाओ, रोज रोज थकान भी इतना हो गया था ना। तो कल रात का थोड़ा सा चावल बच गया था, हम लोग को अभी चना बिरयानी बना दूंगी। नाम मैं खुद ही रख दिया चना बिरयानी। तो ऑयल दे दिया, तो इसमें प्याज काट के रखा भूल गया, तेल गरम हो गया मेरा। प्याज दे दिया, कैंडी जा किचन में जा, तो इधर जाएगी तेल लग जाएगी। उसमें कुटी हुई लहसुन दे दिया पीसा हुआ, भी दे सकते हो। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, पहले भी थोड़ा सा दे दिया था, फड़फड़ हो रहा था उठ के। हल्दी पाउडर, ओ काश्मीरी चिली पाउडर, दोनों कितना चिल्लाती हो। और बिरयानी मसाला खरीद का भी, मतलब मार्केट भी क्या हो सकता है, मैं घर में बनाया था वो वाला। इसे भून लो और चना मैं बॉईल करके रखा था, थोड़ा सा रखूंगी क्योंकि रात को मेरा चले में जरूरत है। अच्छे से भून लो, ये दो नमक, ज्यादा भूलने की जरूरत नहीं है, हो गया मसाला। ऐसे तो कच्चा मसाला कुछ है नहीं, प्याज थोड़ा सा केवड़ा वाटर, अभी जो बचा हुआ चावल। अरे 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 अरे, भी नमक चाहिए तो थोड़ा सा नमक मिला दीजिए। मैं तो इसमें चना में थोड़ा सा ज्यादा करके दिया था, मैं तो मेरा गैस बंद हो गया था। देखो कैंडी हर टाइम चिल्लाती है। बस फिर दो तीन मिनट के ढक के रखूंगी, बे रेडी। केवड़ा वाटर ऊपर से भी दे सकते हो, मैं मसाला में दे दिया, मेरा मुंह नहीं दिखता है बता। खाना दिखाने जाओ तो मुंह नहीं दिखेगी। अभी करूंगी अंडर फ्राई, जो बिस्की नहीं खाएगी। आजा देख, जैसे लग रहा है ना मैं हर टाइम मुंह धो के आती हूँ, ऑटोमेटिक है अंडा गिर गया। जितना बैठोगी इतना आपका फूल के बाहर आएगी। इसकी मुंह देखो है, तो देखिए अंडा कच्चा अंडा से मेरे लिए नहीं कभी, मतलब होता है ना। देखो दोनों को मुंह देखो, मुंह देखो, पढ़ाई करती नहीं है वो, मुंह में पूरा पेन लेके खराब कर दे। बहुत दिन में अंडा फ्राई नहीं किया, मुझे अंडा का गरम गरम ऑमलेट में इतना अच्छा लगता है ना, मजा आ जाता है खाने। हो गया मेरा चुकंदर वाला कूटा हुआ अंडा, तो क्या बोलते हैं अंडा अंडा भुजी करने गया था, अंडा ऑमलेट हो गया, अंडा भुजी टूट गया मेरा। चलो खा ले, उसके साथ बनाया अच्छा वाला रायता जो बिरयानी के साथ खाएगी। बिरयानी चना चावल तो बिरयानी नाम ले रही है। आज का खाना रेडी, मैं आज एक खाते खाते देखो पूरा कैसे हुआ, एक खाऊंगी और अच्छा सा बंगाली मूवी देखूंगी। मैं बहुत अच्छा मूवी देखूंगी, उसी चला के कर थोड़ा सा सो जाऊंगी आज, और कुछ काम नहीं आज। हैप्पी बर्थडे फूदे, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे टू रजिया। आज रजिया का डे बर्थडे बन रहा था। चाइनीज चाइना में पैदा होता अच्छा था ना? नहीं, कल बच्चा कुचा चाउमीन हुआ नाश्ते में शाम का ब्रेकफास्ट शाम का ब्रेकफास्ट क्या क्या अभी वही आजकल मुंह में निकल जाता है, सुधारता है मैं बिगाड़ती हूँ। शाम का खाना बनाना एक ही तो काम है अभी, तो और तो कुछ है नहीं। खाना बनाओ, घर सब करो, बस खत्म। तो पराठा बना लूंगी, रायता और कुछ नहीं बनाऊंगी। तो कहाँ गई कढ़ाई, नहीं दिख रही है, दिखा दिखा। तो कढ़ाई में दे दिया तेल, थोड़ा सा सौंफ और ऐसे बारीक से काटा हुआ प्याज। गार्लिक भी दे सकते हैं, गार्लिक दिया नहीं। अब बस गार्लिक प्याज को अच्छे से भूनूंगी। पहले ही नमक डाल देती हूँ, थोड़ा सा नरम हो जाएगी। इसको लौकी को अच्छे से घिस के रखा था, कुछ नहीं मिलाया, अभी इसको निकल के दे दूंगी। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर, ऐसे भी तीखा भी डाल सकते हैं। अभी इसको पानी एकदम ऐसे निचोड़ के इसमें डाल दूंगी। लौकी को, लौकी ये बोल गया, भूल गया क्या है। अभी हो गया रेडी, अच्छे से पानी निकल लेंगे ना, तब थोड़ा सा तो नरम, थोड़ा तो नरम रहता है, तो हो जाता है बेलने, आटा लगा के बेलते हैं हो जाता है। अभी गैस को बंद कर देते हैं, फिर इसमें मिलाऊंगी आमचूर पाउडर नहीं तो चाट मसाला। और पनीर भी मिलाऊंगी थोड़ा सा, ये ठंडा होने के बाद पनीर भी नहीं भी मिला सकते हैं, डायरेक्ट एक देखी भी अच्छा लगेगा ना। अभी इसको पनीर दूंगी ना गरम गरम में, एकदम चिपक जाता है। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगी तब उसको पनीर को मिक्स करूंगी। हो चुकी है ठंडा, अभी इनका हाथ लगा सकते हैं ऐसे, क्योंकि पनीर को पानी में डुबो के रखा था ना, पानी बनी है एकदम पूरा। मिक्स कर दो, बस हो गया। दो टाइप के ही रखा मैं, प्लेन भी रखा और पनीर डाल के भी रखा, दोनों टाइप के मैं पराठा बना लूंगी। थोड़ा सा कम डालना पड़ता है, बहुत ज्यादा मुझे होता नहीं है, बाकी किसी को होता है पता नहीं, क्योंकि नरम है ना निकल जाता है। तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छा लगता है ज्यादा ज्यादा हुआ।
देखो कैंडी इतना जोर जोर से चिल्लाती है ना पूरा दिन, जब तक सोती रहेगी तब तक अच्छा है। और हल्का हाथों से ज्यादा प्रेस नहीं करना, नहीं तो निकल जाएगी बाहर। गर्मी में किचन में कुछ भी बना, एक तो खाने का मन नहीं करता, एक बनाने के लिए मन नहीं करता। देखो काला काला दिख रही है। पटक खा तो लौकी का ही रायता बहुत अच्छा लगता है, अरे गर्मी में तो और ज्यादा अच्छा। और उसके साथ सैलेड, सैलेड काटते काटते ना उसको खाना बहुत पसंद है मुझे। तो है कुकुम्बर, इतना अच्छा लगता है। अच्छा ऐसे बैठ बैठ के एक दो तो ऐसे ही खा लोगे, मैं कम बोला, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा ना, मैं बोलेंगी क्या ये है क्या बकरी है क्या इतना खाते रहते हैं, कम करके बोला एक दो। तो सैलेड रायता और पराठा बस हो गया आज का मेनू, कल का भी थोड़ा सा इसके साथ तैयार कर लिया। ढेर सारा सैलेड पराठा लौकी का रायता थोड़ा सा बनाए, बाकी सब बच्चे सॉस देके खाएंगे और उसके साथ आम आम काटना पड़ेगा। बाय 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 बाय, गुड नाइट, लाइक सब्सक्राइब, बाय बाय। सब इतना बातें कर रहे, बोल बंद कर दो।